सोनाली बाबू, सनम सर आ रही है। हैं? हाँ ठीक है। जी तो सनम सर बाहर चले गए, मैडम उसके पापा ऊपर जा रही है। चट जी को फोन लगाना पड़ेगा। इस बार गलत टांगे मत देना भगवान। अरे कमबख्त, ये नेटवर्क भी अभी जाना था। मिस्टर चैटर्जी, अरे यार तो कमाल का लोशन है, हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था, लोग खुद नहीं लगाते, लगवाते हैं। यहाँ इस केस में तो मैडम वेटर से लगवाएगी नहीं। थर्ड डिग्री बच्चों वाली बात हो गई है। बदमाश का मुंह खुलवाने के लिए फोर्थ डिग्री बताती हूँ मैं। बदमाश के सारे कपड़े खोलो और बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ और एक उंगली उसकी गरम चाय में डाल दो। हाँ बाद में बात करती हूँ, चल फोन रख। क्या हुआ दीदी? अमर, कोई गुंडा मुझे गोवा में नहीं छेड़े, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल, गोवा ही मत जाओ, गुंडा भी नहीं छेड़ेगा और गोवा जाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे गोवा जाना जरूरी है ना, वरना उस घोड़े को, मतलब तुम्हारे जीजा जी का चाबुक कैसे बनूंगी? मतलब जीजू ने फिर मना कर दिया तुम्हें? हाँ, कह रहे हैं कि अकेली औरत को वहां जाना सेफ नहीं है। और तुम्हें पता है, जैसे जैसे तेरे जीजा के बहाने बढ़ते जा रहे हैं, मेरा शक भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आग में घी भी तो जीजू ही डाल रहे हैं। पता है वो क्या कह रहे थे कि पड़ोसी देश में किसी अकेली औरत को लूटा गया, और ये भी कहते हैं कि अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है, अब मर चाहे यहाँ के हो या वहां के हो, सब उस खुली तिजोरी को लूटना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता दीदी, जीजू आपको चूना लगाने के चक्कर में? मुझे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे गोवा में कोई पहचान है क्या? है ना, पिंटू दारू वाला, आधे दाम में दारू देता है वो। किसी पुलिस वाले से पहचान है क्या जो मेरी वहां की जिम्मेदारी ले ले और मेरे साथ दो हवलदार रखे? और वैसे भी तेरे जीजा जैसे ही पुलिस को देखते हैं ना, कोई भी कांड करने से डरते हैं। ऐसा है दीदी, पत्नी अगर घूर के पति को देख ले ना, तो पुलिस वाले क्या, कमांडो भी फीके लगते हैं। हाँ वो बात भी ठीक है। अमर, तू आज तक हनीमून पे नहीं गई है ना? हाँ नहीं, क्यों? सिट सर, कंफर्ट। थैंक यू सर। चाय एक कप बनाऊं कि दो कप? मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुलासे से बता रहा, अगर मैडम ने चैटर्जी को निकाल दिया तो एक कप, और नहीं निकाला तो मतलब तो एक कप ही बना चैटर्जी के लिए। अरे यार क्या है ना जुगल, मैं अपने ना मुंह का जायका नहीं बिगाड़ना चाहता यार। मैडम के साथ गोवा जा रहा हूँ ना, वहां जाके ठंडी ठंडी बियर पीऊंगा। वासा। लेकिन सर क्या? आप बहुत लक्की हो। चल रहे अट, सच साहब हूं तो लक्की, थोड़ा तो हूं। हाँ क्रांतो बोलो। सानू, सानू मैंने अमर से बात कर ली है। क्या बात कर ली? मैडम 5 स्टार में रुकूंगी और तू 3 स्टार में। ऐसा है, मैं और मैडम ने एक ही होटल में रुक रहे, बुकिंग हो गई। क्या बात कर ली थी? यही कि मैं अकेली नहीं जा सकती और वो मेरे साथ चले। अच्छा सानू, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुलिस वाली बहन जो जाएगी मेरे साथ।
नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानू तुम खुश तो हो ना मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ या नहीं? नहीं मैं खुश ही हूँ यार, मतलब खुश हूँ। आदू भैया भी बहुत खुश है। अब तू खुश, तुम खुश तो फिर मैं तो खुश हूँ। अरे ऐसे आप खुश ही खुश है सर, आप मेरा के साथ गोवा जा रहे हैं। ले 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 ले। ये ले भाई। यार बता तो देता यार, अगर मुझे पता होता तो मैं साड़ी जगह 30 का बनाता ना, छोटा वाला। बेकार कर दिया तूने। तुझे पता है तूने अंदर क्या किया? क्या हो गया, क्या हो गया? सच में इतना कुछ मारने का मन कर रहा है ना तुझ पे? अरे तो मैंने क्या किया है यार? क्या किया है? अंदर तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी? मैं पूरी फैमिली को चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा। इस बात पे ना मुझे कहानी याद आ रही है, सुन तू आराम से सुनियो। कहानी है कि एक जंगल में एक शेर था, बहुत मस्त आवारा, अपनी मर्जी का मालिक, जहां चाहता था वहां जाता था। गुफा में जाए गुफा में घुस गया, निकलना चाहे तो बाहर निकल गया, घूम रहा है जंगल में इधर उधर 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 सब। एक दिन उसे शादी का कीड़ा काट गया और उसे इन्फेक्शन हो गया शादी का, और उसने शादी कर ली। उसके बाद जंगल में कोई शेर नहीं था, एक भीगा बिल्ला रहता था और एक शेर। पता है इस कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है? कहना यह चाहता है कि शेर ने सिर्फ इतनी सी गलती की थी कि वो हर वक्त अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहा, बस। समझ ले तो मतलब तेरे अंदर का शेर जो है वो सो गया है, जिसे अब जगाने की जरूरत है, है? बेटा एक बार बताऊं तुझे, सोया हुआ शेर जाग सकता है लेकिन मरा हुआ शेर नहीं जाग पाया। पहले एक बड़ा वाला मार, 60 या 120 बना, चल मार कर तो। हा? बाबा हो गया यार, तू 180 कर देगा क्या पूरा? मार क्या उसको? मार मार। बंदर जा, अमर को बोल कि तू नहीं जा रहा है गोवा। फिर तू नहीं जाएगा तो अमर नहीं जाएगी, अमर नहीं जाएगी तो क्रांतो नहीं जाएगी। मैं भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता यार। अब होगा गोवा में धमाल। जीजा जी, और जीजा जी आप तो सही लग रहा हो यार, ले चलोगे ना गोवा? अरे भाई साहब लग तो अच्छे रहे हो, लेकिन आपके वो बीच क्लासेस कहाँ हैं यार? उसके बिना तो गोवा में घुसने नहीं देंगे। क्या बात कर रहा है, बीच ग्लासेस कहां से लाऊं? कुछ करता हूं मैं। अच्छा या 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 क्या है? कुछ सुनो। हुँ? तुम मेरे पति हो? क्या जवाब देना है इसका, ये बता दो मुझे तो। जैसा अच्छा लगे तुम्हें वो ही जवाब दे दूंगा। अच्छा लगे मतलब? पति हो तो हो, खुल के बात करो। खुल के अगर बात की तो तुम मुझे पूरा खोल दोगी? नहीं खोलूंगी, बेझिझक बात करो आज। मुझे गोवा नहीं जाना है। ओके ओके मतलब? ओके मतलब ओके, तुम यही रहो, हम तीनों चले जाएंगे। तुम मेरे बगैर चली जाओगी गोवा? तुमने कहा ना अभी मुझे गोवा नहीं जाना, हम तीनों चले जाते हैं। तुम यहाँ पर घर के थोड़े जाले वाले साफ कर लेना, नाली चौक हो गई उसे भी देख लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हाँ, दीदी का भी घर देख लेना, साफ सफाई कर लेना उधर। हेलो
क्या हुआ? मतलब सारी उतर गई मेरी अंदर जाके। क्यों बे? तेरे जैसे दोस्त हो ना तो आदमी सिर्फ पिटता है, अपनी बीवी से बता रहा हूं मैं। समझ रहा है तू? लानत है तेरी मर्दानगी पे। हाँ ठीक है, चूड़ियां पहन ले। हाँ पहन लूंगा। दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है तेरी अपने घर में? कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब उसने तेरी बात सुनी ही नहीं? बिल्कुल सुनी। मैंने एकदम जोरदार धमाकेदार आवाज में उससे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब पिघली नहीं? ये भी नहीं कहा कि तू अकेला यहाँ क्या करेगा? नहीं, ये कहा। हाँ। क्या करेगा ये कहा? क्या बता? उसने कहा कि हम दोनों सब ये सब लोग चले जाएंगे तो दोनों घर खाली होंगे, तो तू जो है इस सारे घर के जाले साफ करेगा, ये काम। अब्दू, हाँ बोल। एक आइडिया है। बोल बोल बोल। एक ऐसा अस्त्र है ना मेरे पास, ये अच्छी अच्छी औरतें घुटने टेक देती हैं। क्या हो गया? गुस्सा हो गया मैं। क्यों? साले तेरे पास ऐसा अस्त्र है जिससे औरतें मतलब घुटना टेक देती हैं, तूने मुझे नहीं बताया है, खुद अकेले मजे ले गया घुटने टिकवा टिकवा के। अरे सुन तो सही, ब्रह्मास्त्र है। मैं चला दूं? अमर पे तो बिल्कुल मत चलाना बेटा, उल्टा घुसेड़ देगी। नहीं तो नहीं। लेकिन मैडम के ऊपर ये चल सकता है और मैडम घुटने टेक देगी। कल ही चलाऊंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अच्छी हूं। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अच्छाइयों की सीमा आपको पार कर जानी चाहिए। चला ब्रह्मास्त्र, यही वक्त है बेटा, चला। सो मिस्टर सनम, काम में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं है। सो मिस्टर सनम, व्हाट्स योर लेटेस्ट स्ट्रेटजी हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए? बाद में बताऊंगा मैडम आपको। मिस्टर सनम, मेरी शक्ल यहाँ पे है। सॉरी मैडम। मैडम मैं ना आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप नाराज हो जाएंगी, जाने दीजिए। बोलिए। आपके घर में पराठे बहुत बन रहे हैं? I hate parathas. आपके घर के पास में बटर चीज की दुकान खुल गई है जहाँ से एक पैकेट बटर रोज आ रहा है? I hate butter. खट्टा खाने का मन हो रहा है? What? What nonsense? How dare you ask me that? क्यों पूछ रहे आप मुझे ये? आप मोटी हो गई हैं, आपका वजन बढ़ गया है। और अगर आप मेरा एडवाइस माने ना तो आप वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वापस कर दीजिए और उसके बदले में शॉल या दुपट्टा ले लीजिए। मिस्टर सनम, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? हां, खुद को देखा है आपने? अल्ले। हां, ऐसा लगता है जैसे रस्सी बांध दो तो गुब्बारे की तरह आपको ऊपर उड़ा सकते हैं। चलता फिरता एक रोड रोलर दिखते हैं आप। आपको तमीज नहीं है? Don't you have any manners कि औरत से किस तरह से बात की जाती है? सच बोलो ना, तो हर आदमी पर्सनल अटैक करता है मैडम। मतलब मैंने कहा था कि आप गुस्सा होंगी। Shut up, shut up, okay? शुक्र मानिए कि मैं एक ड्रैकुला नहीं हूँ, क्योंकि आप में तो उतना भी खून नहीं बचता जितना एक रेगिस्तान में पानी बचता हो। Disgusting. But आप हो गई हैं तो अभी क्या करूं? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे मोटा बोलने की? मोटी हेल्दी सनम। देखिए मैं आपका शुभचिंतक हूं मैडम। शट अप। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर गोवा में ना कोई भी आप पे हंसता इस बारे में। शट अप। आप जस्ट शट अप। लग गया तीर निशाने पे। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया था? मिस्टर सनम, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछे मैडम। अगर श्रद्धा कपूर बूढ़ी हो जाती है
तो उसका नाम क्या होगा? दिस वन आई नो मैडम, वृद्धा कपूर. रॉन्ग. श्रद्धा कपूर कभी बूढ़ी होगी नहीं, क्योंकि उसके पास शक्ति है. वेरी ओरिजिनल मिस्टर सनम. क्या हो रहा है? नहीं, वो लिफ्ट के बाहर. मैडम, मिस्टर सनम, आप गोवा की ट्रिप कैंसिल कर दीजिए. नहीं मैडम, प्लीज आप गोवा जाइए. आपका मन था गोवा जाने का, वैसे मत कीजिए मैडम. नहीं देखिए, आप मेरी बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए. मैं पता नहीं क्यों बोला मैंने ऐसा. मैडम नहीं, आप प्लीज मेरी बातों की परवाह मत कीजिए. प्लीज गो. You're right, Mr. Sanam. Why should I care about what you think? और कर ले ओवर एक्टिंग. संभाल अब. मुझे जो लगा मैडम, मैंने बोल दिया और लोग भी वही बोलेंगे. सबकी आंखें तो एक जैसी ही होती हैं. मिस्टर सनम, यस, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि आपने मुझे मोटी कहा. बट यू नो व्हाट, किसी के मुंह पे ये बोलने के लिए गट्स चाहिए रहता है. आपने ये हिम्मत कहां से जुटाई? मजबूर इंसान के पास तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है मैडम. मतलब? नहीं, मतलब मैं अपने फर्ज के लिए मजबूर था तो हिम्मत आ गई. यू नो, लोग हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं. वो तो खैर आप हैं ही तारीफ के काबिल. पूरी बात सुन लीजिए, चमचागिरी मत कीजिए बाकी लोगों की तरह. सुन, लोग हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिसने मेरी कमी बताई. आई एम रियली इंप्रेस्ड. बिल्ली के भाग से उसका छींका टूट गया. What? नहीं मैडम, मतलब वो सब जाने दीजिए ना. आप मेरी तारीफ में चंद शब्द कहना चाहती थी, तो बताइए मैं आपकी नजर में कैसा हूं. प्लीज कंटिन्यू.